चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। से ये डायवर्जन करने जा रहे हैं, वहाँ से जब नई धारा बनेगी तो सीधे सीधे हमारे गांव की कटान होगी, करजही की कटान होगी और नवा पार जो दलित बस्ती है उसकी कटान होगी। और उसके पीछे अइमा गाँव है जी। वो उसके किनारे से होके एक बहुत बड़ा नाला जाता है, वह प्रभावित होगा। तो हम लोग बिल्कुल एक तालाब के बीचों बीच में हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में गांव छोड़ने के अलावा बाकी कोई चारा नहीं। गोरखपुर न्यूज लाइन और चलचित्र अभियान की ओर से आज हम लोग राप्ती नदी में हैं, करजही गांव के पास। ये गोरखपुर का बेलीपार क्षेत्र का एक गांव है। इस आप इधर देखेंगे दाहिने तरफ तो नदी है, गांव है, करजही गांव है, अइमा गांव है। और यहां गांव के लोग करीब 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस नदी की धारा मोड़ने का निर्णय लिया है और बाढ़ से बचाव और तटबंध को बचाने के नाम पर, कटान से बचाने के नाम पर ये प्रोजेक्ट लिया गया है। और गांव वालों का ये कहना है कि ये नदी जैसे प्राकृतिक रूप से बहती है उसी तरह से बहती रहे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे साथ करजही के पूर्व ग्राम प्रधान ओम प्रकाश शुक्ला जी हैं और गांव के लोग हैं। हम लोग इनसे बात करते हैं कि नदी की धारा जब मोड़ी जाएगी इससे उसका क्यों विरोध कर रहे हैं। आप ओम प्रकाश जी बताइए कि ये कब पता चला कि सरकार एक नई धारा बना रही है आपके गाँव की तरफ से? विगत 26 मार्च की बात है, अचानक कुछ लोगों द्वारा ये पता नहीं चला कि ये लोग कौन हैं, किसानों की जमीन पर, भूमधरी जमीन पर जिसका किसान लगान देता है, सरकार को राजस्व देता है, लाल झंडी लगा दी गई। आप जहाँ चल रहे हैं ठीक इसी के ऊपर वो खेतियाँ हैं और जो उनके निर्देशानुसार ये 9 पॉइंट है, ए से 10 पॉइंट उन्होंने बनाया और लाल झंडी लगा दी गई। गाँव वाले देखे, हैरत में आए, ये क्या हो रहा है, जैसे लग रहा था किसानों की जमीन की नीलामी की जा रही है। तो हरकत में आए, मौके पर पहुंचे तो देखा नदी के अंदर एक मशीन भी लगी हुई थी जो नदी को पाटने का काम कर रही थी। मशीन को रोका गया, पूछा गया ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा एक नई नदी का निर्माण किया जा रहा है, यह कौन, ये किसके आदेश पर हो रहा है, कहा कि हमारे उच्चाधिकारियों से आप बात कर लीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, पहले आप काम रोको, उसके बाद हम उच्चाधिकारियों से बात करेंगे। काम रुक गया, हमने कहा मशीन वापस ले जाओ, जब तुम्हारे अधिकारी आएंगे हम लोग की उनसे वार्ता हो जाएगी तब इस पर कोई बात विचार विमर्श होगा। उसके बाद मैं गया, जिले का मालिक जिलाधिकारी होता है, मैं उनके पास गया, अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया। वह बुलाए नलकूप खंड के लोगों को, एक एके सिंह है अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग के, नलकूप खंड के लोग आए, बातचीत का दौर शुरू हुआ। हमने कहा श्रीमान जी आपका प्रयोजन क्या है, किसी भी कार्य करने के पीछे कोई कारण होता है, क्यों करना चाहते हैं ऐसा काम, तो वह बताए। जहाँ हम लोग चल रहे हैं ठीक यहीं पीछे एक बंधा है गौर बरसाइत के नाम से जाना जाता है, वहाँ लेगा कि इसी बंदे को बचाने के लिए इस नदी की धारा को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमने कहा क्यों, कहना इस नदी से उस बंदे को खतरा है। हमने कहा श्रीमान जी वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछ लीजिए जो वहाँ लोग बसे हुए हैं और आपके पास शासन का रिकॉर्ड है जो सारी बातों को बताएगा कि कब कब नदियाँ बढ़ी तो किन किन बंधों को कौन कौन से बंधे क्षतिग्रस्त हुए। तो फिर भी निरुत्तर थे। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि ऐसे नहीं मानेंगे, तो हम लोगों ने जन आंदोलन का इसका रूप दिया, मतदान बहिष्कार करने का इसका स्वरूप बनाया कि चुनाव का समय है, हो सकता है हम मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, शासन के कानों तक यह बात जाए, शासन जागा चूंकि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, उनके नाक के नीचे इतना ज़्यादा अधिकारी बेतरीके से काम करेंगे। 23 तारीख को हमारे यहाँ एक कार्यक्रम था, किसान महापंचायत के रूप में जल पुरुष माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी आए थे, आधिकारिक रूप से तहसीलदार महोदय आए, जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकृत रूप से उन्होंने बयान दिया कि आप सफलता की ओर हैं, मशीनें वापस जा रही हैं, जिस विभाग ने यह काम स्वीकृत किया है उससे बातचीत चल रही है, उसके हस्तखंड का भी काम किया जाएगा। हमने कहा कि आप शासन की तरफ से आप आए हैं, आपका धन्यवाद है, लेकिन अगर शासन इस चीज़ को स्थगित करता है तो आपका सादर धन्यवाद है, नहीं तो अगर यह आंदोलन और किसी रूप में आगे बढ़ता है तो इसके लिए जिला प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, हम जिम्मेदार। अच्छा, आप बताइए कि ये जब नदी की जो धारा मोड़ेंगे तो उससे आप लोग बता रहे थे कि गांव को बाढ़ का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आसपास के कितने गाँव ज़्यादा खतरे में आ जाएंगे अगर नई धारा, जो राप्ती की नई धारा अगर बनाने में सरकार सफल हो जाती है? लगभग 15-20 गांव खतरे में आ जाएंगे जी। और हम लोग तो तीन तरफ से अभी नदी से गिरे हैं तो बिल्कुल चारों तरफ से हम लोग घिर जाएंगे। आज भी बाढ़ के समय में हम लोग 3-4 दिन अंदर बंधे के अंदर रहते हैं,
जब नाव आती है व्यवस्था होती है तब हम लोग बाहर निकल पाते हैं। ऐसी स्थिति में अभी पिछले वर्ष ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई नाव के अभाव में। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए थे बेला बंधे के समीप, वो देख के गए सारा, लेकिन एक रेगुलेटर की व्यवस्था नहीं बन पाई हम लोगों के लिए। लगभग 10,000 की आबादी प्रभावित होती है, करजही अइमा कतरारी करपैया नवापार, 10,000-15,000 आबादी, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है। एन केन प्रकार किन अधिकारियों के भुलावे में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी यह योजना ला करके और हम लोगों को निस्तनाबूद करना चाहिए। आप लोगों को जो जितनी आप लोगों की समझ है, क्योंकि नदियों के साथ आप लोग इतने वर्षों से रहते आए हैं, कि ये जब नई धारा बनेगी तो आप लोगों को क्या क्या नुकसान हो, आप लोग को लग रहा है कि क्या नुकसान, जहाँ से ये डाइवर्जन करने जा रहे हैं वहाँ से जब नई धारा बनेगी तो सीधे सीधे हमारे गाँव की कटान होगी, करजही की कटान होगी और नवापार जो दलित बस्ती है उसकी कटान होगी, और उसके पीछे अइमा गाँव है वो उसके किनारे से होके एक बहुत बड़ा नाला जाता है वह प्रभावित होगा। तो हम लोग बिल्कुल एक तालाब के बीचों बीच में हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में गांव छोड़ने के अलावा बाकी कोई चारा नहीं। यही बगल में कनेल गांव है जी। बगल में और नदी की धारा मोड़ दी गई यहां से रुद्रान रूपमज गांव के पास से गोर्रा नदी को, और वहां नदी आर पार लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, वहां के लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए उतारू है कि हमारे नदी में जल नहीं है। अब बहुत विचित्र घटना है, एक तरफ नदी में जल नहीं है और एक तरफ नदी की धारा मोड़ी जा रही है, तो निश्चित रूप से यह बात प्रदर्शित होती है कि कहीं ना कहीं सरकारी पैसे की लूट की ही मामला है। तो आप बताइए कि राप्ती नदी के साथ आप लोग इतने वर्षों से जी रहे हैं, उससे खेती करते हैं, उसके पानी का उपयोग करते हैं, तो अब जो आप लोगों को कभी लगा कि नदी जैसे बहती रही है वैसा ही ठीक है जैसे नदी बह रही है? हाँ। नदी खोन देने से हाँ। एक महीने दो महीने के बाद इतना पानी आ जाएगा, ये हमारे बांस गांव तहसील पड़ता है जी, वहाँ तहसील में भी पानी चला जाएगा, 25 गांव बह जाएगा, बहुत सही। हमारी माताएं बहनें कहाँ जाएंगी, एक दो महीने के बाद इतना पानी नुकसान होगा कि अलीहद के गांव बह जाएगा। आप लोगों का अनुभव क्या है कि नदी जैसे बह रही है उसमें क्या बदलाव आया है पिछले 50-60 सालों में? 50 साल से बंधे पर नदी बह रही है, कुछ बिगड़ा नहीं है जी। सरकार के कुछ ऐसा देने की पैसा खा रहे हैं, नदी की धारा मोड़ रहे हैं। तो अब बताइए कि अब लोग क्या आप लोगों का है कि सरकार तो अभी तो उसने काम रोक दिया है, लेकिन अभी निरस्त नहीं किया है इस योजना को, अगर आगे भी अगर वो इसको चुनाव बाद हो सकता है कि करने की कोशिश करे, तो आप लोग क्या इसे कैसे लड़ेंगे? हम लोग कैसे जिएंगे, नहीं खोलने देंगे, आंदोलन जारी रहेगा जी। और जब तक हम ये आंदोलन चलाते रहेंगे। कैसे चलाएंगे? इतना सरकार एक बड़ी सरकार होती है, उसके पास बहुत बड़ा अमला होता है, अगर वो जोर जबरदस्ती करना चाहे तो आप लोग कैसे इसका सामना करेंगे? तो हम तो लड़ तो नहीं सकते, लेकिन अपना कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजों से गांधी जी ने देश को आजाद कराया था, उसी तरह उसी सत्याग्रह की तरह से हम लोग भी गांव बचाएंगे, गांधीवादी तरीके से कराएंगे, जब तक जान है तब तक करेंगे, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करके, कोई मारपीट तो हम करेंगे नहीं। तो अभी आप लोगों ने, अभी हम लोगों ने सुना था कि आप लोगों ने कहा था कि अगर ये योजना निरस्त नहीं होगी तो हम लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे, तो उस बारे में बात पर कायम अभी हम लोग तो संकल्पित कायम है, संकल्पित है, तो कोई लिखित आदेश लिखित हमको कोई दिया गया नहीं है, लिखित दे देंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा काम निरस्त हो गया, तो हम लोग अभी सरकार की ओर से कोई आया जिसको कहा नहीं, अभी कोई हम पैसा तो कोई तहसीलदार महोदय आए थे, जवानी दिए हैं, आश्वासन दिए हैं कि काम रोक दिया गया, मशीनें जा रही हैं, लेकिन अभी कोई लिखित जानकारी नहीं। अभी तो मशीनें पूर्ण रूप से नहीं गई, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ हिट पॉइंट की, अभी तो मशीनें भी नहीं गई, तहसीलदार महोदय ने कहा कि सारी मशीनें चल। एक सवाल ये है कि ये जब मोदी जी आए थे तो गंगा की सफाई को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, उन्होंने कहा था कि मैं गंगा का बेटा हूँ, और आप सब लोग जानते हैं कि राप्ती नदी जो है वो गंगा नदी में ही जाकर मिलती है, वो बहुत सी स्वच्छ है और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ज़रूर है कि गोरखपुर से जब ये निकलती है तो वहाँ थोड़ा बहुत उसका प्रदूषण है, लेकिन अभी भी राप्ती नदी काफ़ी साफ है और किसानों के बहुत काम आती है। तो जो अब जो सरकार ने कहा कि हम नदियों को ठीक करेंगे और नदियों को जो प्राकृतिक बहाव है, जो बहुत मांग भी है कि उस अविरल बहती रहे, स्वच्छ रहे, तो आपको क्या लगता है कि सरकार नदियों के प्रति उसका जो व्यवहार है, जो उसने वादा किया था, वो काम कर रही है कि उसके ठीक उल्टा काम हो रहा है? अभी देखिए, मोदी जी की सरकार आई थी 2-3 मुद्दों पर, सबका साथ सबका विकास पहला नारा था, सबका साथ सबका विकास, और बनारस उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
और हमारे यहाँ की जो परंपरा है ना, आप जहाँ गांव में बैठे हैं ना, हम बनारस की रीति रिवाजों पर ही हमारी धार्मिक परंपराएं, इस गांव की मौलिक धार्मिक परंपराएं बनारस की ही रीति रिवाजों पर चलती हैं। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। चार दिन पहले इंडिया न्यूज़ पर उनका इंटरव्यू आ रहा था, मैं देख रहा था। मोदी जी ने कहा कि 35 वर्षों तक मैं पहाड़ों और नदियों के समीप ही, शायद आपने भी सुना होगा, मैं सुन रहा था बड़ा ध्यान से, चूंकि मैं पीड़ित था तो मैं जरा और एक्टिव तरीके से उसको सुन रहा था। ठीक है, नदियों की बात आई है, प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से कह रहे हैं कि पहाड़ों और नदियों के साथ ही मेरा जीवन ज़्यादातर गुजरा हुआ है। उनकी एक लोकल बॉडी कह लीजिए, चाहे प्रमुख बॉडी कह लीजिए, इस देश का बड़ा हिस्सा है उत्तर प्रदेश, यहीं से वो सांसद हैं और संजोग से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। यह राप्ती नदी घाघरा, घाघरा से गंगा को जाती है, एक दूसरे से इसकी कनेक्टिविटी है। तमाम नदियों का जल प्रदूषित आपने देखा होगा, लेकिन जहां आज अभी आप चल रहे हैं, निश्चित रूप से यह जल यह बताता है कि यह पीने के रूप में यह पानी है। अगर हम पीना चाहें तो इसको पी सकते हैं, हमारे लिए कहीं से गंदगी के रूप में नहीं है। ऐसी चीज के साथ छेड़छाड़, और हमारी जहाँ तक सोच है, हमने भी सुना है, प्रकृति से जब भी छेड़छाड़ हुई है ना, प्रकृति उसको कभी बर्दाश्त नहीं की है। संकल्प तो हो ही जाएगा। मान लीजिए यहाँ के लोगों को जो गोरु भैंस चल रही है उसके लिए बहुत दिक्कत होगा, पानी बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए नदी यहाँ है तो लोगों के लिए आराम है, पानी के लिए पानी के लिए दिक्कत तो आ ही जाएगा। नदी अगर उधर चल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा सबको। इतने सुख है, पानी है तो दो तीन गांव के भाई से यहाँ नहा रही है, धो रहे हैं, सब नहा रहे हैं, पीते हैं। और आप लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन इस नदी में, आप नाव चला के आप जीविकोपार्जन करते हैं, मछली का काम करते हैं, निकालते हैं, उससे आप जीविका चलाते हैं। हाँ, लोग मारते हैं, दिन भर मारते हैं यहाँ, उसी से आजीविका चलती है। जितने मछली मिलती है, मोहनापुर के जितने मल्ला है सब यहीं से जीते हैं लोग, इसी नदी से जीते हैं। मछली उनका मुख्य व्यवसाय है। कौन कौन मछली मिलती हो? हर मछली मिलती है, उन्ना, रोहू, भाकुर, करछुआ, सब मछली मिलती है। हाँ, ले लो। हेमा माली देखा यह पर्दा।